friends, welcome back to Excellent English Classes. Good morning all of you, my dear friends and my dear viewers. तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले एंगर के ऊपर. एंगर यानी गुस्सा. तो दोस्तों देखिए, गुस्सा जो ये फीलिंग्स की तरह होती है, ये हर वक्त नहीं आता, कभी कभार ही आता है. तो अगर हम लोग इस चीज़ को चैनलाइज करें और सही जगह पर लगाएं तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं. यानी देखिए, दशरथ माझी को एक प्रकार से गुस्सा ही आया. दशरथ माझी की पत्नी उसे खाना पहुँचाने के लिए जा रही थी, तभी पहाड़ से गिर गई और उसकी पत्नी का डेथ हो गया. तब दशरथ माझी को बहुत गुस्सा आया और उस गुस्सा को लेकर के उसने उस पहाड़ को तोड़ने का ठान लिया और उसने एक छेनी और एक हथौड़े से उस पहाड़ को तोड़ दिया 22 साल में. यानी वो क्या किया, गुस्सा को सही जगह पे लगाया. तो दोस्तों हमें भी गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है, तो हम लोग भी जो गुस्सा है उसको सही जगह पर लगा सकते हैं और कुछ अलग कर सकते हैं. यानी गुस्सा को सही जगह लगाना. आपको गुस्सा आ रहा है, आप पढ़ाई पे दिखाइए, आप अपने काम पे दिखाइए. मतलब गुस्सा को बाहर नहीं दिखाना, अपने आप में दिखाना है कि मुझे कुछ करना है. अगर हम लोग गुस्सा को सही तरह चैनलाइज करना सीख गए और उसकी सही तरह से यूज करना सीख गए तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि गुस्सा में भी बहुत ताकत है, क्योंकि ये हर वक्त नहीं आता, कभी कभार ही आता है. तो दोस्तों गुस्सा को कंट्रोल कीजिए और ये कभी कभार आता है और इसको सही चीज़ों में लगाइए, समझ रहे. और हमेशा अपने आप को बेहतर बनाने में लग जाइए. यानी अपने आप को बेहतर बनाए, आपको कुछ नहीं करना है, बस कल से 1% बेहतर होना. यानी आप कल जितने थे उससे आपको 1% इम्प्रूव करना है. 1% अगर आप डेली इम्प्रूव कर रहे हैं तो महीना में 30% इम्प्रूव कर रहे हैं. यानी छोटे छोटे चेंजेस लाने, स्मॉल चेंजेस. आप अगर छोटे छोटे बदलाव लाएंगे ना तो बड़े बड़े चेंजेस ऑटोमेटिकली आएंगे. देखिए, 100 का भीड़ भी एक से ही शुरू होता है. बस आपको अपने सपनों पर भरोसा होना चाहिए, अपने आप पर भरोसा होना चाहिए कि यस आई कैन डू इट. और सपने बड़े देखिए, बड़े बड़े सपने, यानी कि छोटे छोटे बड़े बड़े सपने देखिए. ऐसे नहीं, देखिए बात यह है, हम लोग को औकात से बाहर कुछ करना होगा. अगर हम लोग चाहते हैं कि लोग हमारा रिस्पेक्ट करें, हम लोग को थोड़ा रिस्पेक्ट दे, बढ़िया से इज्जत दे, सम्मान दे, तो हमें औकात से बाहर कुछ करना हो. औकात से बाहर मतलब लोग कहते हैं कि जितनी चादर उतना ही प्यार पालना चाहिए. नहीं, ऐसा नहीं है. आपको नया चादर लाना है, नया चादर मार्केट से लाना है और उसको ये करना है. यानी जितनी चादर उतना ही प्यार नहीं बना, उससे अलग करना. यानी औकात से बाहर कुछ करेंगे तो लोग हैरान हो जाएंगे. बात समझ रहे हैं. मान लीजिए कोई एक्टर है, उसका बेटा भी एक्टर हुआ, तो ये कॉमन सी बात होगी. ये मतलब औकात से बाहर नहीं हुआ. लेकिन वहीं पर एक रिक्शा चलाने वाला का बेटी अगर IAS ऑफिसर बनेगी तो क्या औकात से बाहर हुआ? तो लोग ऑटोमेटिक रिस्पेक्ट करेंगे. तो दोस्तों औकात से बाहर कुछ कीजिए. ऐसे नहीं कि हम नहीं कर सकते, बिल्कुल कुछ भी कर सकते हैं. देखिए, इंसान चाहे तो पत्थर से पानी निकाल सकता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कंसिस्टेंट रहना. कोई भी चीज़ के ऊपर आप कुछ करें, क्या उस चीज के लिए कंसिस्टेंट है? आपको लगातार करते रहना. अगर एक पत्थर पे बार बार पानी गिरते रहेगा तो पत्थर भी टूट जाएगा दोस्तों. तो उसी तरह आपको कंसिस्टेंट रहना. ऐसे नहीं दो चार दिन लगाए बस हो गए. एक बात बताइए, कल ही आपने एक पौधा लगाया और आप फल का उम्मीद कर रहे हैं. आपको उसे पानी डालना होगा, थोड़ा सा वक्त लेगा, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, उसके बाद ना वो रिजल्ट देगा. लेकिन आप कल ही लगा बोले फल कहाँ है, तो थोड़ा सा पेशेंस भी रखना होगा. यानी आप किसी भी फील्ड में है, आपको पेशेंस रखना होगा. तो आप पेशेंस रखिए और काम करते रहिए. क्या हो रहा, नहीं हो रहा, कहाँ पर क्या हो रहा, कोई मतलब नहीं है. आप बस अपने काम में लग जाइए और 5 साल बाद देखिए कि कहाँ पर होंगे आप. और अपने आप से कमिटमेंट कीजिए कि मैं आने वाले 5 साल में कहाँ जाना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, कैसा दिखना चाहता हूँ. बहुत ज़रूरी है दोस्तों, और गोल होना बहुत ज़रूरी है. गोल और ड्रीम्स ये हमारे लाइफ में ये जो है ना ऑक्सीजन का काम करते हैं, क्योंकि यही हमें भगाता कि आने वाले 5 साल में मुझे क्या क्या अचीव करना है. तो गोल सेट कीजिए, अपने आप को बेहतर बनाइए, अपने परफॉर्मेंस को बेहतर बनाइए और अपने जो ये 4 इंच का दिमाग, इसको अपग्रेड कीजिए. इसके लिए एटलीस्ट आधा घंटे डेली निकालिए और इसके ऊपर एक्सरसाइज कीजिए. बहुत सारे ऐप आ गए जिससे हम लोग मेंटली एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपने आप को बेहतर बनाने में लग सकता है. अभी तो बहुत सारा चीज़ आ गया है, बहुत सारा ऐप्स भी आ गया जिससे हम लोग इजीली कोई भी चीज़ एक्सेस कर सकते हैं. तो दोस्तों अपने आप को बेहतर बनाए, और हम लोग तो वीडियोज़ डाल ही रहे हैं, स्पोकन इंग्लिश रिलेटेड और मोटिवेशनल वीडियोज़, बस हमारे साथ जुड़े रहिए. और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और साइड में एक बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम लोग हमारे चैनल पर मोटिवेशनल वीडियोज़ और स्पोकन इंग्लिश रिलेटेड वीडियोज़ डालते रहते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन हैव फन इन योर लाइफ. थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय.